जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कोरोना जैसी महामारी के कारण हर जगह जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और इस लॉकडाउन की स्थिति के कारण काफी जो मोबाइल कंपनीज है वो अपना फोन लॉन्च करना चाहती थी पर वो नहीं कर पाई। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे भी आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन में काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी गई है। इस रिस्ट्रिक्शन के हटाने के बाद काफी सारे जो मोबाइल कंपनीज है उन्होंने अपना प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं वन प्लस, रियलमी, इन्होंने काफी सारे अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। जैसे वनप्लस ने अपना फोन लॉन्च किया है, रियलमी ने भी काफी सारे उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। रियलमी ने हाल ही में नजारो 10 और नजारो 10 एक जो मॉडल है वो लॉन्च किए जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, जरूर आप देखिएगा। और इसी के चलते टाइम में वीवो ने भी अपना फोन जो है वो लॉन्च कर दिया है। वीवो का जो हाल ही में न्यू फोन जो लॉन्च हुआ है वो है वीवो V19। तो आज हम इस वीडियो में वीवो V19 के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि Vivo V19 जो है वो कैमरा के लिए काफी जाना जाता है। उसके जो कैमरे के जो परफॉर्मेंस होते हैं काफी बढ़िया होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Vivo ने जो है V19 लॉन्च किया है उसके अंदर जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा है, और कैमरा तो है वो तो आप जानते हैं वो कैमरे में काफी अच्छे कैमरा जो है वो बनाता है, उसके कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी। पर अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो थोड़ी सी प्राइस जो है वो काफी उसने हाई रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम उस Vivo V19 के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हम बात करेंगे Vivo V19 के कलर वेरिएंट्स के बारे में। तो Vivo ने जो है उसका V19 स्मार्टफोन दो कलर में लॉन्च किया, फर्स्ट है मस्टिक सिल्वर और सेकेंड है पियानो ब्लैक। अरे ये लोग ये नाम ढूंढ के कहां से लाते हैं, इनके दिमाग कौन सी सेंचुरी से चलता है, प्लीज मुझे कोई पूछ के बताए। जो इसकी जो बॉडी है वो बनी है प्लास्टिक से, और मैं आपको एक पर्सनल राय और देना चाहता हूँ कि अगर आप ये फोन परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले फोन परचेस करने के बाद प्लीज पीछे से लैमिनेशन करवा दे, वरना तो आपके फोन का तो आप ही जानते हैं क्या हो सकता है। तो अभी हम जानेंगे Vivo V19 के डिस्प्ले के बारे में। तो एज वी नो कि स्मार्टफोन परचेस करते टाइम डिस्प्ले का भी इंफॉर्मेशन होना काफी जरूरी है, क्योंकि जो गेमर्स होते हैं जो गेम खेलते हैं मोबाइल में, जो मूवीज देखते हैं, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है बाकी लोगों से ज्यादा। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप स्मार्टफोन परचेस करते हो तो ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिए, जो उसका साइज क्या होता है, उसका रिजोल्यूशन क्या होता है, वो कौन सा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे AMOLED है या सुपर AMOLED है, उसका टच स्क्रीन कैसे काम करता है, तो हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। वीवो की साइज जो है 16.36 सेंटीमीटर, जो है 6.44 इंच का। तो रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, 2400x1080 pixels में फुल HD डिस्प्ले के साथ, और जो उसका टाइप है डिस्प्ले का वो है सुपर AMOLED, जो काफी क्लियर है और इसमें हम वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं, गेम भी काफी अच्छे से खेल सकते हैं, और जो उसका टच स्क्रीन कैपेसिटी है वो है मल्टी टच के साथ, फीचर्स काफी अच्छे दिए हुए हैं, और वैसे भी आज के टाइम में सारे फोन्स में वो अवेलेबल होते ही है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे Vivo V19 के थिकनेस के और उसके हाइट के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Vivo V19 की जो थिकनेस है वो है 8.5 mm स्लिम है, और Vivo V19 की जो हाइट है वो है 159.6 mm, काफी बढ़िया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है Vivo V19 के रियर कैमरा के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि Vivo ने जो है कैमरा के अंदर काफी धूम मचाई है, Vivo जो है कैमरा के लिए काफी फेमस है। तो अभी हम जानेंगे Vivo ने इस बार के कैमरा में क्या धूम मचाई है। तो इस बार के कैमरा में उसने दिया है 48 megapixel आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाड रियर कैमरा। उसमें जो उसका प्राइमरी कैमरा है वो है बुके कैमरा जो है 2 megapixel का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 48 megapixel का, जो सबसे मेन है HD मेन कैमरा, जो थर्ड कैमरा है वो है 8 megapixel अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और जो फोर्थ कैमरा है वो है 2 megapixel का, जो है माइक्रो कैमरा। इसके साथ और भी इसके काफी फीचर्स है, जैसे कि सुपर नाइट मोड, सेकेंड है कि माइक्रो कैमरा, मतलब कि आप 4 सेंटीमीटर के अंदर भी आप वो जो फोटो जो आप क्लिक कर सकते हैं, और जो तीसरा जो है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, आप जो है 120 डिग्री के अंदर पूरा फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं। इसमें दूसरा फीचर ये है कि अल्ट्रा स्टेबल वीडियो, मतलब कि अगर आप वीडियो बना रहे हो, आपका फोन अगर आपका हाथ शेक कर रहा हो तो वो भी वीडियो ये काफी अच्छे से कैप्चर कर लेगा। इसके अंदर वीडियोस के अंदर काफी सारे फिल्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं Vivo V19 के कैमरा के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे Vivo V19 के फ्रंट कैमरा के बारे में। तो दोस्तों इस बार डिस्प्ले के अंदर ही Vivo ने
दो कैमरा दिए, जो फर्स्ट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का और जो सेकंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का। इसमें दोस्तों फ्रंट कैमरा के साथ और भी काफी सारे फीचर्स दिए जो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है वो मेन कैमरा है और जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है वाइड एंगल कैमरा। आप इसमें सुपर नाइट सेल्फी भी खींच सकते हो, मतलब जैसे कि आप कहीं नाइट में बाहर हो अगर आपको सेल्फी क्लिक करनी हो अच्छे से तो आप इसमें बेशक काफी अच्छे से आप सेल्फी क्लिक कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने बात की 8 मेगापिक्सल वाले सुपर वाइड एंगल कैमरा के बारे में, जिसके अंदर आप 25.6 एक्स्ट्रा वाइडर आप सेल्फी क्लिक कर सकते हो उसमें से। और एक और अच्छा जो है, जो अच्छी चीज इसमें ये है कि आप जब भी अगर फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हो तो इसमें भी आप अल्ट्रा स्टेबल का ऑप्शन पाएंगे। जैसे कि आप वीडियो बना रहे हो और आपका हाथ जो शेक कर रहा है तो वीडियो में हाथ शेक नहीं करेगा, मतलब कि भले आपका हाथ जो है वो शेक कर रहा हो पर वीडियो जो आएगी वो एकदम परफेक्ट आएगी सेल्फी कैमरा से भी और बैक कैमरा से भी। बैटरी की अगर बात करें दोस्तों तो बैटरी जो है वीवो V19 में दी गई है 4500 mAh की। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसमें आप अपना स्मार्टफोन 0 से लेकर 70% तक चार्ज सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर आप कवर कर सकते हैं। और तीसरी चीज इस बार वीवो में ये दी गई है फास्ट चार्जिंग जो है 33 वोल्ट वीवो फ्लैश चार्ज विद 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ। इस बार काफी बैटरी में काफी परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है मुझे। प्रोसेसर जो इस बार वीवो V19 में दिया गया है वो क्वांटम स्नैपड्रैगन 712। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे वीवो V19 के वेट के बारे में। दोस्तों मुझे मालूम है कि फोन परचेस करते टाइम वेट इतना प्रेफर नहीं करता है, बट जब भी हम फोन इस्तेमाल करते हैं तभी हमें लास्ट में एहसास होता है कि वेट काफी है या वेट कम है। तो प्लीज मेरी एक पर्सनल राय रहेगी आपसे कि आप जब भी फोन परचेस करें तो आप प्लीज वेट के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन ले लें। तो अभी हम जानेंगे वीवो V19 का जो वेट है वो कितना है। वीवो V19 का जो वेट है वो है 186.5 ग्राम। OnePlus 8 से थोड़ा सा ज्यादा है पर MI 10 5G जितना तो नहीं है, क्योंकि MI 10 5G का वेट है 208 ग्राम। काफी हाई वेट है इसका यार, काफी हाई वेट है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो हमारे बॉडी से काफी रिलेटेड है, तो वो टॉपिक है स्टार वैल्यू। स्टार का मतलब है कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, सरल भाषा में बात करें तो उसका मतलब है रेडिएशन। तो कौन सा मोबाइल कौन से रेडिएशन पे काम करता है। जनरली जब भी हम स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो कभी भी स्टार वैल्यू के बारे में या काफी कम लोग जो होते हैं जिसको मालूम है स्टार क्या चीज है वो ही पूछते हैं, बाकी जनरली कोई पूछता नहीं है। स्टार वैल्यू जो होती है वो उसका मतलब है कि जो रेडिएशन होते हैं तो रेडिएशन हमारे बॉडी को कितना इफेक्ट करते हैं। हाईएस्ट रेडिएशन की जो स्मार्टफोन से वो है Xiaomi के। Xiaomi में काफी हाई रेडिएशन होते हैं, चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे वीवो V19 के रेडिएशन के बारे में, मतलब कि सार वैल्यू के बारे में, जो है 1.140 वोल्ट पर केजी। और इंडिया का जो सार वैल्यू जो लिमिट सेट किया हुआ है वो है 1.6 वोल्ट केजी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल का सार वैल्यू कैसे चेक करें तो आप न्यूमेरिक कीपैड पे जाइए, जिसे आप डायल करते हैं डायलर कीपैड पे जाइए, वहां पे लिखिए *#07#, इसे आपको अपने सार वैल्यू का जो है वो आपको मिल जाएगा। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज प्राइस। तो वीवो V19 की जो प्राइस रखी गई है इस बार जो है 27,999। और वीवो ने इस बार काफी सोच समझ के अपना स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च किया है कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए। इस बार वीवो ने वो गलती नहीं की है जो OnePlus ने और MI ने की है, वो भी प्राइस को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वो जो लाल बटन जो है सब्सक्राइब का वो एकदम फ्री है, प्लीज उसे क्लिक करें। और उसके जो साइड में बेल आइकॉन का बटन है उसे भी क्लिक करें ताकि कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।